हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक कहानी में। ये कहानी रतन की है जो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में एक हवेली में आकर रहने लगता है। फिर जो रतन के साथ उस हवेली में होता है वो जानते हैं इस कहानी में। कहानी आप पूरी ज़रूर सुनिएगा, आपको तभी समझ में आएगी। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। रतन रतन, कहारती दर्द भरी आवाज, गहराती रात अंधेरी थी, लैंप की हल्की रोशनी। रतन गहन एकाग्रता से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन अचानक से ये आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी। रतन उठकर आवाज की दिशा की ओर बढ़ा, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई। क्या कोई बहुत मुसीबत में है? पर यहाँ कौन मेरा नाम लेकर पुकारेगा? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, रतन मन ही मन सोचने लगा। पढ़ाई से मन एकदम से उजड़ गया। रतन को अभी यहाँ आए महज 4-5 दिन ही बीते थे। इस हवेली को रतन ने बहुत सस्ते में किराए पर लिया था अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और उसकी तैयारी के लिए वो छोटे शहर से दिल्ली आया था। बड़े शहर में रहने की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया तो उसने ये हवेली सस्ते में दिलवा दी। इस हवेली को कोई किराए में नहीं लेता था। बहुत सी कहानियाँ इस हवेली के बारे में प्रसिद्ध थी। रतन के दोस्त ने समझाया कि कभी कभी किसी प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देने के लिए विरोधी कुछ अफवाहें फैलाकर लोगों को डरा देते हैं ताकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदे। लेकिन हवेली देते समय वहाँ के मालिक ने बेसमेंट में बने एक कमरे की ओर इशारा कर उसे ना खोलने की हिदायत दी थी। उस कमरे में बहुत पुराना ताला लगा था। ये हवेली वैसे तो सुनसान जगह पर थी, पर रतन की कोचिंग सेंटर उस स्थान से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। फिर रतन पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी में जुट गया, इसलिए वह देर रात तक पढ़ाई करता था। 2-3 दिन तक तो वह रहस्यमय आवाज नहीं सुनाई पड़ी। रतन ने भी उस आवाज को अपना वहम मान लिया और पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गया। रात के करीब 2 बजे थे। अब रतन पढ़कर उठने ही वाला था, तभी वही कहारती आवाज फिर उसके कानों में टकराई। बाहर जाकर देखा तो घनघोर अंधेरा था। कुत्तों की भौंकने की तेज आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। ये आवाज तो बेसमेंट के कमरे से आ रही है। रतन डर गया। उसे मालिक की चेतावनी याद आ गई। किसी तरह उसने डर कर रात काटी। सुबह जब आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। जल्दी जल्दी काम निपटाया। आज रविवार था, कोचिंग ऑफ थी। रतन ने अपने दोस्त सौरभ को फ़ोन किया जिसने उसे कमरा दिलवाया था। हेलो सौरभ, यार तू हवेली पर आ जा, रतन ने कहा। क्यों, क्या बात है? इतना घबराया से क्यों है? चल अभी 1 घंटे में यहाँ की मशहूर की कचौड़ी लेकर आता हूँ। आज छुट्टी का भरपूर आनंद लेते हैं। अच्छा जल्दी आना, तब तक मैं भी नहा धोकर तेरे लिए कॉफ़ी तैयार रखता हूँ। लगभग 1 घंटे में सौरभ गर्मा गर्म कचौड़ियों के साथ रतन के सामने हाजिर था। रतन का चेहरा मुरझाया था। उसने बीते कुछ दिनों और कल की बात सौरभ को बताई। ये सुनकर सौरभ भी थोड़ा सोच में पड़ गया। दोनों उठकर बेसमेंट में गए। वहाँ कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे तो बड़ा सा जंग लगा ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी दोनों के पास ही नहीं थी। सौरभ ने कहा, देख रतन, तू इस बेसमेंट के इस कमरे से आ रही आवाज़ की वजह से ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है। आज इस कमरे का ताला तोड़कर रहस्य से पर्दा उठा ही लेते हैं। क्यों, कैसा ख्याल है तेरा? तू सही कहता है सौरभ, यूँ डर कर तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। घर परिवार छोड़कर जिस लक्ष्य के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं ताला तोड़ने की बात से सहमत नहीं हूँ। तेरी नज़र में कोई चाबी बनाने वाला है क्या?
हम उससे इसकी दूसरी चाबी बनवा लेते हैं। ठीक है, मैं भी यही चाबी बनाने वाले को बुलाकर लाता हूँ। यही कुछ दूरी पर तो है। खाना खाकर सौरभ चाबी बनाने वाले को ले आया। चाबी वाला अगले दिन तक शाम को चाबी बनाने की बात कहकर चला गया, क्योंकि ताला काफ़ी पुराना और जंग लगा हुआ था, जिससे चाबी बनाने में बहुत टाइम लगने वाला था। अगले दिन शाम तक जब चाबी वाला नहीं आया तो दोनों दोस्त उसके घर पहुंच गए। वहां देखा तो नज़ारा कुछ और ही था। क्या हुआ होगा चाबी वाले को? चाबी मिली या नहीं? कमरे का रहस्य खुलेगा या नहीं? जानने के लिए आगे की कहानी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।